वेलकम टू दीपिका शर्मा किचन। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में क्रिस्पी रोटी बना रही हूँ, जो कि हम कढ़ाई पर भी बनाते थे पुराने टाइम में। तो मैंने दो छोटी छोटी बॉल्स ली हैं आटे की, उनको बेल लिया है। एक पे मैंने घी लगा लिया अच्छे से, क्या इससे अच्छी फिर पतली रोटी मिलती है, एक नहीं इतनी पतली मिलती। अब मैं इन दोनों रोटियों को बेल लेती हूँ। अब जैसे देखिए, ये मैंने एक पहले बनाई है, ये आराम से अलग हो जाती हैं। अभी एक एक तरफ से सीख गई हैं, अब मैं दूसरी तरफ से इनको अलग अलग सेक लूँगी तवे पर ही। और ये बिल्कुल क्रिस्पी होती हैं। इसके ऊपर घी लगाइए या बटर लगाइए, मसाला लगाइए, और पापड़ की जैसी हो जाती हैं। नमक तो हम आटे में डालते हैं, नमकीन तो है ही, और आप प्याज टमाटर डाल के भी सर्व कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हैं स्टार्टर्स में। तो मैं एक बार सेक लेती हूँ, इसको बेल लेती हूँ। ये बेल गई है पूरी, अब हम इसे सेकेंगे। ये देखिए अच्छी क्रिस्पी बनती है, अच्छा लगता है। कभी रूटीन में जैसे रेगुलर रोटी खाने का मन नहीं है तो आप इस तरीके से बना के खाइए। और ऐसे बनाने से क्या, हमें कढ़ाई भी नहीं रखनी पड़ती। कढ़ाई पे थोड़ा सा रूटीन से चेंज हो जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है, ये फटाफट बन जाती है। ये वाली रोटी मेरी दोनों तरफ से सिक गई है, अच्छी करारी हो गई है। इसे मैं अलग निकाल लेती हूँ। अब ये जो दूसरी रोटी है, एक तरह से सिकी हुई है, दूसरी तरफ से, इसको भी कपड़े से प्रेस कर करके हम सेक लेंगे। घी या बटर जो भी लगाना चाहें, घी गरम ही गरम पे लगा लेंगे, वरना फिर क्या लगता है नहीं। और फिर हम मसाला ऐड करेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। ऐसे ही पापड़ का भी स्टार्टर बना सकते हैं हम, सैलेड के साथ या चटनी के साथ सर्व करते हैं। राजस्थानी जो खिचिया पापड़ होता है वो मक्की के आटे का होता है, ये रोटी जो हमारी है वो गेहूँ के आटे की। ये दूसरी वाली भी सिक गई है बिल्कुल करारी, इस पर मैंने घी लगा दिया, इसके ऊपर भी घी लगा देते हैं। ये सिक जाएगी दूसरी रोटी, इसको मैं इस पर मसाला लगा के, मसाले में आप चाट मसाला भी लगा सकते हैं, लेकिन जो प्लेन लाल मिर्ची पाउडर और नमक है उसका टेस्ट अलग ही आता है। दोनों पे मैं मिर्ची डाल दी और नमक, इसको तोड़ के देख सकते हैं, तोड़ते हैं देखिए, बिल्कुल पापड़ की तरह क्रिस्पी। तो आप भी ट्राई करके देखिए। इसके ऊपर हम प्याज टमाटर की टॉपिंग भी लगा सकते हैं या कोई ग्रीन चटनी। तो हमारी क्रिस्पी रोटी तैयार है। रोटी पे मैंने घी लगा ली है या आप बटर लगा, अब जैसे कोई ग्रीन चटनी वो भी लगा सकते हैं, कोई अकॉर्डिंग टू द टेस्ट अपनी चटनी लगाइए। अब जैसे आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने खीरा ऐड किया बारीक बारीक काट के, टमाटर, थोड़ा सा सॉल्ट सैलेड के हिसाब से, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची ऐड की है। बिल्कुल मैं चटपटा बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं इसमें लेमन ड्रॉप्स, खुशबू के लिए मैंने कड़ी पत्ता काट के डाला है। तो आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं है, सिंपल रोटी और सैलेड है, बट इस तरीके से सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ऐसी आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।